सब्सक्राइब करें टेक्निकल मैक्स चैनल को और बेल आइकॉन पर क्लिक करें लेटेस्ट वीडियो का अपडेट पाने के लिए। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। आज मैं आपको बताऊंगा कि बीटा वर्जन क्या होता है, इसे कैसे इंस्टॉल और अनइंस्टॉल करते हैं। दोस्तों, किसी भी एप्लीकेशन या सॉफ्टवेयर को बनाते समय कई परीक्षण किए जाते हैं। उनमें से ही अल्फा परीक्षण और बीटा परीक्षण है। अल्फा परीक्षण ऑर्गेनाइजेशन के अंदर ही किया जाता है। अल्फा परीक्षण पर एप्लीकेशन या सॉफ्टवेयर के स्वीकृत होने के बाद ही बीटा परीक्षण किया जाता है। बीटा परीक्षण के लिए जारी किया गया सॉफ्टवेयर बीटा वर्जन के नाम से ही जाना जाता है। इस सॉफ्टवेयर को उपभोक्ताओं के एक विशेष समूह की प्रतिक्रिया के लिए दिया जाता है, ताकि यह पता किया जा सके कि एप्लीकेशन में कितनी खराबियां हैं। कभी कभी अधिक लोगों की प्रतिक्रिया लेने के लिए इसे खुली जनता के लिए भी उपलब्ध कराया जाता है। अब मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आप किसी भी एप्लीकेशन का बीटा वर्जन इंस्टॉल और अनइंस्टॉल कर सकते हैं। इसके लिए आपको जाना है अपने प्ले स्टोर में। यहाँ पर आप जिस भी ऐप का बीटा वर्जन इंस्टॉल करना चाहते हैं उसे सर्च कीजिए। मैं यहाँ पर फेसबुक का बीटा वर्जन इंस्टॉल करके दिखाता हूँ। यह देखिए, फेसबुक खुल चुकी है। यहाँ पर आपको नीचे जाना है। यह देखिए, यहाँ लिखा है बिकम अ बीटा टेस्टर। यहाँ पर आपको IM IN करना है। यह देखिए, यहाँ पर एक नोटिस आया है। इसमें लिखा है कि यह अभी बन रही है, यह अनस्टेबल हो सकती है, आपको इसे ज्वाइन करना है और 5-10 मिनट तक इंतजार करना है। अब आपको जाना है प्ले स्टोर में और यहाँ पर अब आपको जाना है माई एप्स एंड गेम्स में। यह देखिए, यहाँ पर बीटा लिखा हुआ आ रहा है, इसे टच कीजिए और देखिए यहाँ पर फेसबुक आ चुका है। मैं ऑलरेडी व्हाट्सएप और इंस्टाग्राम का बीटा वर्जन यूज करता हूँ, तो इसीलिए शो कर रहा है। अब आपको फेसबुक पर टच करना होगा। यहाँ पर लिखा हुआ है फेसबुक बीटा। अब यहाँ पर आपको अपडेट करना है, आपका बीटा वर्जन इंस्टॉल हो जाएगा। बीटा वर्जन को अनइंस्टॉल करने के लिए आपको नीचे जाना होगा। यहाँ पर लिखा है यू आर ए बीटा टेस्टर। इसमें आपको लीव पर टच करना होगा। यहाँ पर एक मैसेज आया है, इस बार भी आपको लीव पर टच करना होगा और फिर आपको 5-10 मिनट इंतजार करना होगा। अब देखिए, बीटा की लिस्ट में से फेसबुक का नाम हट चुका है। अब आप फेसबुक को वापस से सर्च करके इंस्टॉल कर लीजिए। आपका बीटा वर्जन अनइंस्टॉल हो जाएगा और फेसबुक का पब्लिक वर्जन इंस्टॉल हो जाएगा। दोस्तों, अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा है तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा, क्योंकि इसी तरह के वीडियोस हम आपके लिए लाया करते हैं। आपके बहुमूल्य कमेंट का हमें इंतजार रहेगा। इस वीडियो को देखने के लिए आपका धन्यवाद।